हाँ चल ठीक है यार, आई विल टॉक टू यू लेटर, या आई हैव टू स्टार्ट माई क्लास। या ओके बाय, टेक केयर। ये कोविड की वजह से अब मोस्टली जो भी कॉन्वर्सेशंस हो रही है ना, वो हमारी फ़ोन पे हो रही हैं, चाहे वो इंटरव्यू के लिए कॉल हो या फिर हम घर से काम करें। वर्क फ्रॉम होम हो गया है मोस्टली, तो अब हम कलीग से भी अगर बात करते हैं तो हम फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं, या दोस्तों से भी बात होनी है तो फ़ोन पे ही होनी है। प्रॉब्लम फ़ोन पे बात करने की नहीं है, मैं यहाँ आपको ये नहीं सिखा रही कि फ़ोन पे कैसे बात करें, प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश में कैसे बात करें, वो भी शुरू कैसे करें। मेरे साथ खुद ऐसा होता था कि मेरे को बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरू कैसे करें और इंग्लिश में कैसे शुरू करें वो समझ नहीं आता था, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे फ़ोन कॉल अवॉइड करती थी। कोई इंटरव्यू है अगर फ़ोन कॉल के थ्रू, नहीं बाबा नहीं, क्योंकि मेरे से बोला ही नहीं जाता था। मेरे को समझ में नहीं आता था कि शुरू कैसे करूँ बस, और एंड कैसे करूँ, वहाँ पर मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाती थी। आई एम श्योर आप में से भी बहुत ऐसे लोग होंगे जो यहीं पर अटक जाते हैं। डोंट वरी, इसीलिए तो हम आए हैं ना। हाय, मेरा नाम स्वाति है और आज इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस अगर आपको फ़ोन पे करनी है तो वो कैसे करें और उसको एंड कैसे करें। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मल कॉन्वर्सेशन से, मतलब कि एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे कि अब आपको कोई इंक्वायरी या फिर कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है ऑफिस से, फॉर्मल मतलब ऑफिस से, जब हमें कुछ प्रोफेशनली अगर हमें बात करनी है तब हम क्या करें। अब मान लो कि आप कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट देखते हो किसी ऑफिस का जो हायरिंग कर रहे हैं, अब उधर उन्होंने एक एचआर का नंबर भी दिया हुआ है और आपको उनसे कॉल करके कुछ बात करनी है, तो आप वो कॉन्वर्सेशन कैसे करें। अब जब आप कॉल कर रहे हैं तो पहले तो हेलो के साथ ऑब्वियसली आप शुरू करेंगे, उसके बाद मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग, आप जिस टाइम पे कॉल कर रहे हैं उस हिसाब से आप उनको ग्रीट करिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सुबह कॉल कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, एम आई स्पीकिंग विथ सो एंड सो, जो भी उनका नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उनका नाम अमित है तो आप बोल सकते हैं कि हेलो गुड मॉर्निंग, एम आई स्पीकिंग विथ अमित, इस तरीके से आप बात शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आपको किसी कॉलेज में एडमिन से बात करनी है, किसी एडमिशन से रिलेटेड कुछ अगर आपको उनसे पूछना है तो भी आप, या किसी भी जगह पे आपको कोई इंक्वायरी लेनी है, कोई जान कुछ आपको निकालना है कोई इन्फॉर्मेशन, फिर आप बोल सकते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, आई हैड कॉल टू इंक्वायर अबाउट, जो भी आपका क्वेश्चन है आप फिर वो पूछ सकते हैं। या फिर हेलो आई वॉन्टेड टू आस्क अबाउट, फिर जो भी आपको पूछना है, मतलब कि हाय मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जो ये एडमिशन प्रोसेस है, फिर आप जैसे भी शुरू कर सकते हैं। इंक्वायर मीन्स जानना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। अब जो पहले आपको सिखा रही थी वो फॉर्मल था, मतलब कि हम नहीं जानते थे कि हम किससे बात कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहे थे। अभी हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो सेमी फॉर्मल हो गया, मतलब हम अपने कलीग से बात करने जा रहे हैं, प्रोफेशनली बात करने जा रहे हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। अब प्रोफेशनली आप बात करोगे, ऐसे नहीं दोस्त की तरह बात नहीं कर सकते कि हाँ यार मेरे को ये हेल्प चाहिए थी या ये काम था, तो उसके लिए भी हमें एक तरीके से बात करनी पड़ती है। तो अगर आपको कलीग को फ़ोन करना है, अपने जिनके साथ आप काम करते हैं उनको कॉल करके कुछ कहना है, तो आप कैसे कहें। मान लीजिए आपको कोई बात शुरू करनी है तो हमेशा सबसे पहले उनसे ये पूछना ज़रूरी है कि क्या ये सही टाइम है बात करने का। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे कलीग का नाम पलक है, तो मैं उनको फ़ोन करके बोलूँगी कि हेलो पलक, इज़ इट अ गुड टाइम टू टॉक, मतलब हेलो पलक क्या ये सही टाइम है बात करने का। और अगर वहाँ से वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल अभी मैं अवेलेबल हूँ, तब आप अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए। बाई चांस अगर वो कहते हैं कि अभी मैं बिज़ी हूँ, तो आप बोल सकते हैं, नो इश्यूज़, लेट मी नो द राइट टाइम टू कॉल यू, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आप सही टाइम बता दीजिए, मैं तब आपको कॉल कर लूँगी। या अगर आपको उनसे कोई हेल्प चाहिए, जिनके साथ आप काम करते हैं उनसे आपको कोई हेल्प चाहिए, तो भी आप ऐसे रूड मत हो जाइए कि मेरे को ये काम चाहिए आप करके दे दो, तब भी आप एक तरीके से बात करेंगे। तब आप बोल सकते हैं कि चलिए नाम लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल, तो आप बोल सकते हैं, हेलो राहुल, आई नीडेड अ स्मॉल फेवर फ्रॉम यू, मतलब हाय राहुल मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। इस तरीके से आप काम, अपनी बात शुरू कर सकते हैं। अब अपने दोस्तों के साथ भी आप इंग्लिश में बात करिए, इनफॉर्मली करिए बट करिए। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि प्रैक्टिस करते रहो, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप अपने दोस्तों को भी कॉल करते हैं तो इंग्लिश में शुरू करिए, पूरी कॉन्वर्सेशन करिए, मैं तो बोलूँगी बिल्कुल करिए, पर अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट शुरू तो करो। तो अगर आप फ़ोन करते हो अपने दोस्त को तो आप बोल सकते हैं कि हे व्हाट्सअप, मतलब हाय क्या चल रहा है, व्हाट्सऐप नहीं व्हाट्सअप, मतलब क्या चल रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना और क्या चल रहा है लाइफ में, तो आप ऐसे बोल सकते हो हे व्हाट्सअप। या फिर अगर आप उनसे पूछना चाहते हो हे तुम कैसे हो,
क्या चल रहा है, तो भी आप कह सकते हो हे हाउ हैव यू बिन, व्हाट्स अप, मतलब आप कैसे हो, तुम कैसे हो, क्या चल रहा है। वैसे जब दोस्तों की बात की जाए तो दोस्त तो आप भी मेरे हैं, तो मुझे ये बताइए गाइज, हाउ हैव यू बिन, आप लोग कैसे हैं, पढ़ाई चल रही है, आई नो आप लोग पढ़ रहे हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, बट वैसे भी बताओ जनरली आप लोग कैसे हो कॉमेंट्स में अभी। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कॉन्वर्सेशन एंड कैसे करें, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कवर करूँ, क्या टॉपिक आपको प्रॉब्लम दे रहा है जो मैं कवर कर सकती हूँ, अभी इसी वक्त कॉमेंट में बताओ। अब फॉर्मली अगर कोई कॉन्वर्सेशन हमें एंड करनी है, जैसे कि जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि हायरिंग के लिए अगर हम उनको कॉल कर रहे हैं, तो जब बात हो गई हमारी तो हम एंड कर तक बोल सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वॉज ग्रेट स्पीकिंग विथ यू, बाय, ऐसे आप बोल सकते हैं। मतलब थैंक यू आपके टाइम के लिए, शुक्रिया आपके टाइम के लिए, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बाय। या फिर हम बोल सकते हैं थैंक यू फॉर योर टाइम, शैल गेट बैक टू यू, मतलब थैंक यू आपके टाइम के लिए, मैं फिर आपसे कांटेक्ट कर लूँगी। ये हम तब कर सकते हैं जब हमें उनसे फिर बात करनी है, जैसे अगर हमने एडमिशन के लिए इंक्वायरी की थी जैसे पहले एग्जांपल में बताया, तो अगर वो कहते हैं कि ये प्रोसीजर है, ऐसे ऐसे है, आप मुझे बता दीजिए तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंड कर देता हूँ, कुछ भी अगर ऐसा कुछ, कोई भी कॉन्वर्सेशन जिसमें आपको फिर से उनसे बात करनी होगी, तो आप ये कह सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, शैल गेट बैक टू यू, मतलब मैं आपके पास फिर कॉन्टैक्ट करूँगी। या अगर अपने कलीग से बात कर रहे हैं, नॉर्मली आपने काम से रिलेटेड कुछ बात कर ली एंड अब फ़ोन कट करना है, तो बस ऐसे ही बाय मत बोल दो, थोड़ा रूड लगता है, तो आप बोल सकते हैं थैंक यू सो मच, लेट्स कैच अप अगेन सून, मतलब थैंक यू, फिर से कभी बात करते हैं। या फिर जैसे अगर हमें फेवर के लिए हमने उनको पूछा था तो उन्होंने वो हेल्प कर दी, तो हम उनको कह सकते हैं थैंक यू, दिस वॉज रियली हेल्पफुल, टेक केयर, मतलब थैंक यू आपने जो मेरी हेल्प की वो, उसके लिए थैंक यू एंड टेक केयर। और टेक केयर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आप हमेशा यूज़ करो शुरू और एंड में, मतलब शुरू करते वक्त गुड मॉर्निंग विश कर दो, एंड करते वक्त टेक केयर बोल दो, जितना पोलाइट हो सकते हैं उतना अच्छा है। दोस्तों को भी बाय बोलते वक्त हम इंग्लिश में ही कॉन्वर्सेशन एंड करेंगे, जैसे कि पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि गॉट टू गो, टॉक टू यू लेटर, ये हम कॉन्वर्सेशन फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हो कि चलो आई गॉट टू गो, कि अभी मुझे जाना होगा, फिर बाद में बात करते हैं, या फिर चलो टॉक टू यू लेटर, टेक केयर, बाय, से हम बोल सकते हैं कि बाद में बात करते हैं, टेक केयर। टेक केयर दोस्तों को भी बोल दो, भले ही कितने भी अनोइंग हो, इरिटेटिंग हो, टेक केयर बोल दो, ओके बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल लग रही है, एंड अगर लग रही है तो सब्सक्राइब करो, कि यहाँ कहीं आया होगा वो बटन, सब्सक्राइब करो ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअली में हेल्पफुल है कि नहीं, एंड इस क्लास को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी कुछ सीखें, आप भी नई नई चीज़ें सीखो, एंड कॉन्वर्सेशन करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रैक्टिस करते रहो। Keep learning. See you in the next class.